हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अभी आपने प्रीव्यू में जो वीडियो देखा तो छत्रपति शिवाजी जयंती काफ़ी नज़दीक है और कुछ फ्रेंड इस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाने को बोल रहे थे। तो गाइज, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूँ, इस टॉपिक पर मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, फिर भी मैंने कोशिश किया एक अच्छी सी वीडियो बनाने की। जो आपने प्रीव्यू में देखा भी, फिर भी अगर कोई फॉल्ट हो उसमें तो सॉरी। और सॉन्ग मैंने अपने अकॉर्डिंग यूज कर लिया जो मुझे मिल गया, और आप लोग अपने मनपसंद का सॉन्ग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसका जिप फाइल जो है मेरे वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर दिया, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे मेरे वेबसाइट पर किसी भी प्रोजेक्ट का, मतलब ओल्ड प्रोजेक्ट हो या न्यू प्रोजेक्ट हो, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको आसानी से किसी भी प्रोजेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको एडिटिंग बताता हूँ। सबसे पहले आपको नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों, नोट वीडियो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है। आपको क्या है, मिनी मोड के ऊपर में एक इंपोर्ट का बटन दिख रहा है, इस पर टैप करना है। देन टैप करने के बाद नीचे लोड प्रोजेक्ट जीप का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। सो ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको रिसेंट में चले जाना होगा। देन रिसेंट में जाने के बाद ये वाला प्रोजेक्ट फाइल आपको मिल जाएगा, सिंपली इसे टैप कर लीजिएगा। दोस्तों, जब इसे आप टैप करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक फाइल आपको ऐड होकर आ जाएगा, देख सकते हो ऊपर में एक फाइल ऐड होकर आ गया। इस फाइल को सिंपली आपको ओपन कर लेना। देन जब इसे आप ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग ये यहाँ पर भी लेगा, ठीक है। तो जो भी टाइम लगे इतने वेट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको ओपन होकर आ जाएगा। इसमें सॉन्ग लगा हुआ है, बट मैं ये सॉन्ग को आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। और दूसरा सॉन्ग कैसे ऐड करना है मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी पहले हम यहाँ पर एडिटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फोटो ऐड करना है, तो इस साइड में आ जाना है यहाँ पर, और प्लस का एक में टैप करना है। देन मीडिया का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने बाद इमेज में जाइएगा। तो ये यहाँ पर तीन ठो इमेज आपको यूज करना है, जिसका बैकग्राउंड आप रिमूव कर लीजिएगा। मैं जो जो इमेज यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई इमेज आप ऐड करना चाहे तो दूसरा आप अपना इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इमेज मैं ये वाला ऐड कर रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला इमेज मैंने डाउनलोड किया था गूगल से। तो ये वाला इमेज को हम यहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ये वाले इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इमेज जो ऐड होगा वो 32 यहाँ पे दिख रहा है, इमेज 32, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये क्यूब वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कर दीजिएगा। देन टैप करने बाद अभी आपको पिक्चर दिखेगा नहीं, अब आपको करना है ये वाला जो एडो देख सकते हैं, इस एडो पे टैप कीजिए। देन टैप करने बाद कुछ इस तरह से आएगा, तो इसका टाइमिंग जो है 10 सेकेंड है, तो इसे आपको 30 सेकेंड कर देना, मतलब 1 को हटाकर 3 कर देना है। देन ओके कर देना है। अब ये इमेज आपका लास्ट तक आ जाएगा। तो अभी एक इमेज आपको यहाँ पर दिखना है स्टार्ट हुआ, बट पूरी तरह से आपको दिख नहीं रहा है। इस इमेज को आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है और आगे की तरफ लेकर चलना है। इसे 1 जहाँ पे लिखा हुआ है 1 1, ये देख सकते हैं, इस दोनों के बीच में आपको रख लेना है। 1 1 जो लिखा हुआ है इस दोनों के बीच में रख लीजिएगा। अब ये पोजीशन वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आपको टैप करना है। गाइस, यहाँ पे मैं जो ऐड कर रहा हूँ या एडजस्ट कर रहा हूँ एक बस नाम मात्र है, ताकि हमें एडिटिंग में आसानी हो, ये इस नंबर से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, 0 करना है, पॉइंट करना है, और यहाँ पर 485 करना है, ठीक है। देन ओके कर देना है। फर्स्ट फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पे आ गया, यहाँ पे फोटो आपका पूरे स्क्रीन पे अभी आ गया, बट उतने अच्छे से अभी कोई दिख नहीं रहा है। हमारा फर्स्ट फोटो जो आएगा यहाँ पे आएगा, ये जो नाव यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पे बोट पे, तो यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा। तो अब आपको क्या ना, पोजिशन का जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इसे टैप करना है। देन इसे क्लियर करना है, यहाँ पर 0.376 इसे कर देना है। देन ओके करना है। अभी भी आपका फोटो दिख नहीं रहा है। अब ये जो लास्ट वाला पोजिशन का ऑप्शन है इस पर टैप करना है। देन टैप करने बाद इसे पूरा क्लियर कीजिएगा, 4.999 ओके कर दीजिएगा। अब आपका फोटो यहाँ पे दिख रहा है, बट उतने अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है, क्योंकि कट रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो फोटो कट रहा है। तो इसे हम थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से खींचेंगे, अब फोटो हमारा अच्छे से यहाँ पे दिखने लगा, बट इसका साइज अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे हमें छोटा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है साइज वाले ऑप्शन को, मतलब सेकेंड वाला जो नीचे वाला ऑप्शन है, यहाँ पे 0.092 देन ओके कर दीजिएगा। आपका फोटो यहाँ पे दिखने लगेगा, बट ये एडजस्टेबल अभी नहीं है, अब इसे आपको एडजस्ट करना है। तो पोजीशन का फर्स्ट वाला जो ऑप्शन, इसकी मदद से आप इसे नाव के ऊपर लेकर आ जाइएगा, और इसे जूम करने के लिए यहाँ पे सेकेंड नीचे वाला जो ऑप्शन है इसकी मदद से आप जूम कर सकते हैं। फिर ऊपर नीचे करके आपको ये नाव जो है इस पर इस तरह से रख देना है, क्योंकि इसी तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। अब आप यहाँ पर प्ले करके देख लीजिए, जहाँ पर फुल फोटो आपको दिखे, मतलब अच्छे से यहाँ पर दिखेगा जहाँ पर, वहाँ पर आप इसे और अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा फुल दिख रहा है,
तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद नाव के ऊपर अच्छे से यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो पहले ही इसका नीचे से पैर इरेज कर दे शैडो जैसा, तो आप इस तरह से यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, तो अच्छे से और भी अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, लगेगा जैसे नाव के अंदर है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये प्रीव्यू मेरा अच्छे से नहीं दिख रहा है, रीजन है कि यहाँ पे 100 करना हो तो रूट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ये देख सकते हो प्रीव्यू रेजुलेशन 50 है, तो इसे 100 कर देंगे। अब मैं जो आपको दिखाऊंगा तो अच्छे से दिखेगा क्लियरली, यहाँ पे देख सकते हो अब दिख रहा है। अभी हमें यहाँ पे दूसरा फोटो ऐड करना है, तो सेकंड फोटो ऐड करने के लिए आपको करना है फिर से इस साइड में आ जाना है और सेकंड फोटो आपको लेना है, तो यहाँ प्लस के में टैप कीजिएगा, देन मीडियम जाइएगा। गाइस मीडियम जाने के बाद यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर लें, इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड फोटो जो उसे ले लेना है जिसका बैकग्राउंड हम रिमूव करके रखें, ये वाला बैठा हुआ वाला जो इमेज है ये वाला इमेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, इसका जो ड्यूरेशन है टाइमिंग इसे 30 कर दीजिएगा, देन ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद ये क्यूब वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कर दीजिएगा, ये इमेज जो आप ऐड करेंगे वो इमेज 33 होगा, तो इसे सेलेक्ट करने के बाद ही ये सब सारा प्रोसेस जो है होगा। अब इसके बाद इसका जो साइज पोजीशन वगैरह जो है उसे हम एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो इस साइड में थोड़ा सा आ जाते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से दिखाई दे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वाला फोटो आएगा वो कहाँ पर ऐड होगा मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये दिख नहीं रहा है सही से। ये जो यहाँ पे ये पत्थर जो रखा हुआ है देख सकते हैं, यहीं पे ये फोटो ऐड होगा। अभी इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बिगड़ गया है तो उसे हम बाद में सही करेंगे, अभी के लिए फोटो को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले ये फोटो को उठाइएगा, आगे की तरफ लेकर आइएगा, फिर साइड में स्क्रॉल करिएगा और टू वाला जो टू टू लिखा हुआ है वो दोनों के बीच में इसे रख लीजिएगा, इस एरो पे क्लिक कर दे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब आपको कहना है ये जो पोजीशन है तो इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो इसे पूरा क्लियर कीजिए, यहाँ पे -0.047 देन ओके कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे दोनों जीरो हटाइएगा और यहाँ पे 77 कर दीजिएगा, देन ओके कर लीजिएगा। लास्ट वाले को सेलेक्ट कीजिएगा और इसे आपको पूरा क्लियर करना है, यहाँ पे 1.945 कर दीजिएगा, देन ओके कर लीजिएगा। अभी फोटो तो दिखने लगा बट अच्छे से नहीं दिख रहा है, साइज पे जाइएगा, साइज जो यहाँ पे है इसे क्लियर कीजिएगा और यहाँ पे 0.285 अभी के लिए कर देते हैं, ओके करेंगे तो फोटो हमारा एकदम से फिट हो गया। और इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं जिधर भी करना हो, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं आप इसे। तो मैं इतना पे ही रहने देता हूँ, काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो गया। अब लास्ट वाला फोटो आपको ऐड करना है तो इस साइड में आइएगा और यहाँ पर आपको फिर से प्लस का में क्लिक करना है, देन मीडियम जाना है, मीडियम जाने के बाद यहाँ पर इमेज पर क्लिक कीजिएगा। सो इमेज पर क्लिक करने के बाद लास्ट वाला फोटो मैंने ये वाला ऐड किया था, आप जो भी फोटो ऐड करना चाहे अपना फोटो ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये एडो पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर दिखेगा ये फोटो को सिलेक्ट करने के बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो इसका टाइमिंग सबसे पहले 30 कर देना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 30 कर लेना है, देन क्यूब पे क्लिक कर देना है फोटो यहाँ पे। अभी फोटो दिख रहा है या नहीं एक बार देख लेते हैं, तो फोटो यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है। अब इसे हम एडजस्ट करेंगे तो ये फिट हो जाएगा अपनी जगह पे। तो सबसे पहले पोजीशन वाले ऑप्शन में फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, 0.116 या 5 जो भी करना हो कर दीजिएगा। देन यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को टैप कीजिए, यहाँ पे जो लिखा हो उसे पूरी तरह से क्लियर कीजिएगा, -0.035 देन ओके कर लीजिएगा। करने के बाद गाइज यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इसे हटाइएगा, तीनों जीरो को हटा दीजिएगा, 0.950 करके ओके कर दीजिएगा। देन इसका साइज जो है इसे हम एडजस्ट करेंगे तो साइज पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर 2 0 3 0 हटा दीजिए, सॉरी इस सभी जीरो को हटा दीजिए, 0.141 करके ओके कर दीजिएगा। अभी आप आगे की तरफ आकर देख लीजिएगा फोटो आपका अच्छे से एडजस्ट हुआ है या नहीं। तो फोटो हमारा कहाँ पे दिख रहा है देख लेते हैं एक बार, ये वाला फोटो अभी हमारा दिख ही नहीं रहा है गाइस, ये फोटो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये दिख नहीं रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं थोड़ा सा आगे आ जाते हैं ताकि दिखे, और इस वाले पॉइंटर को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो इसे मैंने यहाँ पर कम किया थोड़ा सा, 0.36 किया है तो ये दिखना स्टार्ट हो गया, बट इसे हमें एडजस्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, इसे हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ पे नीचे ले चलते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे, और इसे फिर से नीचे की तरफ ले चलते हैं, ये थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, फिट हो गया यहाँ पर। अब इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे ऐसे, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गाइस,
सॉरी गाइस, मैं बार बार बताते रहता हूँ फिर भी खुद को याद नहीं रहता है। इस फोटो को सबसे पहले उठाकर ये थ्री जो लिखा है इस दोनों के बीच में रख लेना है, इसी वजह से परेशानी हो रही थी। अब इसका जो टाइमिंग हमने एडजस्ट किया था उसे देख लेते हैं। तो ये तो साइज सही है, ऊपर यहाँ पर मैंने गड़बड़ अभी किया था, तो इसे पूरा क्लियर करते हैं और इसे 9:05:1 करके ओके कर देते हैं। फोटो अपनी जगह पर आ गया है बट थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसे मैं आपको आगे ले चल कर दिखाता हूँ जब फोटो अच्छे से यहाँ पर सेट होगा। तो देख सकते ये वाला फ़ोटो यहाँ पे आ रहा है ठीक है, इस साइड में थोड़ा सा, तो इसे हम पोजीशन की मदद से इसे कर लें इस साइड में, जो मैंने हिला दिया था इसे, इसके वजह से आप अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसे साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं या फिर ऊपर करना हो तो कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम इतना पे रख लेते हैं, सेट हो गया। ये सब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थ्री थ्री के बीच में ही थ्री वाले फ़ोटो को रखना है, टू टू के बीच में टू वाले फ़ोटो को रखना है और वन वन के बीच में फर्स्ट वाले को रखना है, मतलब फर्स्ट को वन वाले के बीच में, सेकंड को सेकंड वाले के बीच में और थ्री को थ्री वाले के बीच में। इसके बाद ही नंबर ऐड कीजिए तो अच्छे से एडजस्ट होगा। अभी आप देखे थे कि मैं यहाँ पर छोड़ दिया था और एडजस्ट कर रहा था तो एडजस्ट हो नहीं रहा था। अब आपको ये ना यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना, बैक चला जाएगा, रूट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ कस्टम पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक कर दीजिएगा, सॉरी कस्टम पर नहीं, यहाँ पर 9:16 को सिलेक्ट कर लीजिएगा ठीक है ये वाला। अभी आपका जो स्टेटस वो बनकर तैयार हो चुका है जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे कस्टम नहीं करना है, 9:16 रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे फोटो अच्छी तरह से एडजस्ट हो गए। अभी सॉन्ग की बात करें तो आपको इस साइड में स्क्रॉल कर लेना, करने के बाद यहाँ पे जो प्लस का आइकन है इस पर टैप कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा, लोड फ्रॉम फाइल पर क्लिक कीजिएगा, आपका ऑडियो यहाँ पे दिखेगा, ऑडियो पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे जो भी सॉन्ग आप लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। मैंने एक सॉन्ग गूगल से डाउनलोड किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज MP3, तो इसे मैं ऐड कर देता हूँ। जो भी सॉन्ग होगा मैंने आपको प्रीव्यू में दिखाया था, उसमें सॉन्ग लगा हुआ था, बस वही सॉन्ग था। अब इसका साइज आपको चेक कर लेना है कि बराबर है या ज़्यादा है कम है, तो ये ग्रुप पर क्लिक कीजिएगा, इस एरो पर टाइप कीजिएगा, तो मेरा सॉन्ग यहाँ पे एकदम बराबर है। आपका ज़्यादा कम हो तो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो आप कट कर लीजिएगा, इसे सेलेक्ट करके ट्रिमर पर क्लिक कीजिएगा। जो एक्स्ट्रा होगा मैं सभी वीडियो में बताता हूँ कैसे कट करना है, तो आप कर लीजिएगा। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए तो आपको नीचे जो ये वाला ऑप्शन देख सकता है इस पर टैप कीजिएगा, टैप करना, तो यहाँ पे आप चाहे तो एक इसका FPS बढ़ा सकते हैं, बट FPS बढ़ाने के बाद आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो एक्सपोर्ट होने में, तो जितना भी टाइम लगे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। नीचे ग्रीन वाला बटन दिख रहा है इस पर टैप कर दीजिएगा, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। जो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।